I know how eagerly you guys are waiting for our secret app series. तो ये वाली वीडियो ना उसी सीरीज का एक फॉलोअप है, जहां पे आज मैं आप लोगों के लिए 6 ऐसे कमाल के यूनिक एंड्रॉइड एप्स लेके आया हूं, जिन्हें जानने के बाद ना आप लोगों को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है. सो हे देयर एंड्रॉइड यूजर्स, माय नेम इज किंकर एंड आई नो यू गाइस आर नॉट हियर फॉर माय नेम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स चेक आउट दीज बढ़िया बढ़िया एंड्रॉइड एप्स. अब देखो, ऐसा हुआ तो होगा कि आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट देख रहे हो और उस पोस्ट को किसी और को दिखाने के लिए आपने अपना इंस्टाग्राम ओपन करके उसे किसी दूसरे के हाथ में दे दिया. अब वो उस पोस्ट को देखने के बाद ना स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम पे और भी पोस्ट देख रहा है क्योंकि उसको आ रहा है मजा, बट वहीं तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही है ये सोच के कि कहीं वो तुम्हारे इंस्टाग्राम मैसेज में जाके कोई पर्टिकुलर चैट कन्वर्सेशन ना पढ़ ले. तो इस धकधक को आप इंस्टाग्राम चैट लॉकर से बंद कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम चैट लॉकर ऐप को यूज करके आप अपने किसी भी इंस्टाग्राम चैट को इजिली लॉक कर सकते हो. तो अपने किसी भी पर्टिकुलर इंस्टाग्राम चैट को लॉक करने के लिए आपको इंस्टाग्राम चैट लॉकर ऐप में जाना है और सबसे पहले तो यहाँ पे एक पिन सेट कर लेना है. आप चाहो तो इसमें फिंगरप्रिंट एक्सेस को भी इनेबल कर सकते हो. उसके बाद इस प्लस बटन पर क्लिक करने से ये आपके इंस्टाग्राम चैट को ओपन कर देगा, जहां से जिस भी चैट को आप लॉक करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लो और बस आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया है. अब अगर मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करके मैसेज में जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं इस चैट को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये पहले मेरे से पिन मांगेगा और सिर्फ करेक्ट पिन एंटर करने के बाद ही ये चैट ओपन होगी. अगर आपने फिंगरप्रिंट एक्सेस इनेबल कर रखा है तो सीधी सी बात है फिंगरप्रिंट से भी चैट ओपन हो जाएगी. इसी तरह से अगर आपको अपने किसी भी व्हाट्सएप चैट को लॉक करना है तो लॉकर फॉर व्हाट्सएप चैट इस ऐप को इंस्टॉल कर लो. इसका भी कामकाज सेम इसी तरह है, जिससे आप किसी भी व्हाट्सएप चैट को पिन या फिर फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हो. मजा आ रहा है ना, अभी आगे और देखते जाओ. वैसे अगर आनंद की अनुभूति हो रही हो तो लाइक बटन ज्यादा दूर नहीं है, हो जाने दो एक लाइक. और अगर परम आनंद मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना. इस छोटी सी जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी और कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें. अगर आप लोग किसी भी तरह की कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना तो ये नेक्स्ट ऐप आपके फोन में इंस्टॉल होनी चाहिए. इस ऐप का नाम है कैश करो. कैश करो इंडियाज बिगेस्ट कैशबैक ऐप है, फंडेड बाय मिस्टर रतन टाटा. इस एक ऐप के होते हुए ना आपको किसी भी दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की जरूरत नहीं है. दिस इज एन ऑल इन वन ऐप फॉर ऑनलाइन शॉपिंग. कैश करो ऐप से ना आप 1500 से भी ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि Amazon, Flipkart, Ajio, Myntra वगैरह पे शॉपिंग करते हुए अप टू 30% तक कैशबैक अर्न कर सकते हो. और ये जो भी कैशबैक आप अर्न करोगे ना वो बिल्कुल रियल कैश है, जो कि आप सारे सेल्स डिस्काउंट एंड कूपन कोड्स के ऊपर अर्न कर सकते हो. और जो भी आप कैशबैक अर्न करोगे उसे आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो और यू कैन कन्वर्ट देम इनटू Amazon वाउचर्स, इट्स योर चॉइस. और ये जो कैशबैक है ना ये इवन COD ऑर्डर्स पे भी अवेलेबल है. अगर आप इस ऐप को डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करते हो ना तो आप लोगों को 25 rupees का इंस्टेंटली साइन अप बोनस मिल जाएगा. या फिर अगर आप इसे डायरेक्टली ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो कोड यूज कर लेना tiptop25, जिससे आप लोगों को 25 rupees इंस्टेंटली मिल जाएंगे. तो इस ऐप में साइन अप करके अकाउंट बनाने के बाद जस्ट सर्च और सिलेक्ट एनी वेबसाइट. एग्जांपल मैं Ajio सिलेक्ट करता हूं. यहां से जैसे आप ऑरेंज बटन पे टैप करोगे तो कैश करो आपको उस पार्टनर वेबसाइट पे ले जाएगा. अब यहां से जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हो ना वैसे ही प्रोडक्ट को कार्ट में डाल लो एंड पेमेंट कर दो. और ऑर्डर कंफर्म होते ही कुछ ही देर बाद आपको अपने कैश करो ऐप के माय अर्निंग सेक्शन में जाके चेक करना है एंड यहां पे आपको आपका कैशबैक मिल चुका होगा. ऑर्डर कैंसिल नहीं होना चाहिए वरना कैशबैक नहीं मिलता. और जो भी आप कैशबैक अर्न करोगे ना वो आप यहां से इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर इसे आप Amazon गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना एकदम सिंपल. इसी तरह से आप 1500 प्लस वेबसाइट्स पे शॉपिंग करके फ्री कैशबैक अर्न कर सकते हो. सो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, साइन अप ऑन कैश करो एंड शॉप. द नेक्स्ट ऐप इन दिस लिस्ट इज TuneMe. तो मैंने जब ये फोटो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी ना तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि मैंने ये फोटो कैसे एडिट की, एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज TuneMe. इस ऐप से आप वन क्लिक में इसी तरह की अपनी खुद की अमेजिंग कार्टून इमेजेस क्रिएट कर सकते हो. आपको बस इसमें अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेनी है जिससे आपको कार्टून इफेक्ट देना है एंड विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑटो प्रोसेसिंग यू विल गेट योर ओन कार्टून कैरेक्टर. इसमें काफी सारे अमेजिंग कार्टून इफेक्ट्स हैं जिनमें से कोई भी इफेक्ट पिक करके आप अपनी फोटो में अप्लाई कर सकते हो. इन एडिशन टू द इमेज एडिटिंग फील्ड एक ऐप जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है remove.bg. और जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे हो इस ऐप से आप किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो. श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ एप्स जो सेम काम करते हैं, बट व्हाट मेक्स दिस ऐप सो कंपेलिंग इज द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. अपलोड इमेज पर क्लिक करके आपको कोई भी एक इमेज चूज कर लेनी है जिसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है. टू मेक इट मोर चैलेंजिंग मैं इसमें कॉम्प्लेक्स इमेज ऐड कर रहा हूं, जैसे ये फोटो जिसमें लाइटिंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है. एंड आप देख सकते हो इसने इस फोटो में से बैकग्राउंड को कितना परफेक्टली रिमूव कर दिया है. आफ्टर द बैकग्राउंड इज रिमूव्ड यू कैन डाउनलोड दिस इमेज इनटू PNG फॉर्मेट. और ये ऑब्जेक्ट इमेजेस के साथ भी बहुत सही से काम करता है. तो मैं इस ऐप को बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ. लाइक अगर मेरे को कोई थंबनेल वगैरह बनाना होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का मुझे अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं इसी ऐप को यूज करता हूँ. बहुत ही कमाल का और काम का ऐप है. अगर आपको भी अपने किसी फोटो में से कोई बैकग्राउंड रिमूव करना है तो डेफिनेटली इस ऐप को एक बार जरूर ट्राई करके देखना.
इस वाले ऐप को ना आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोल सकते हो, क्योंकि इस एक 9 MB के ऐप में आप लोगों को लगभग 200 से भी ज्यादा काम के ऐप्स मिल जाते हैं। इस ऐप का नाम है स्मार्ट किट, और इस एक ऐप के अंदर आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स मिल जाएंगे। लाइक प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलिटी टूल्स में आपको कई सारे काम के ऐप्स मिल जाते हैं, जैसे ये हार्ट रेट सेंसर हो गया, विच कैन मॉनिटर योर हार्ट रेट यूजिंग द कैमरा सेंसर। आपको बस अपने कैमरा पे अपनी फिंगर प्लेस करनी है और ये आपको आपकी हार्ट रेट बता देगा। इसी तरह इस कैटेगरी में पेटोमीटर, इंटरनेट स्पीड टेस्ट, डिक्शनरी, कोड स्कैनर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे यूटिलिटी ऐप्स हैं। और अगर यहीं आपकी गिनती खत्म हो गई ना, तो अभी तो और भी कई सारी कैटेगरीज हैं जिनमें और भी कई सारे ऐप्स हैं, जैसे इंस्टेंट गेम्स हो गए, जिसके अंदर आप लोगों को कोई भी जो गेम है वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां से इन गेम्स को डायरेक्टली खेल सकते हो। सोशल मीडिया ऐप्स देख के तो मुझे चक्कर आने लग गए, मतलब कौन सा ऐसा सोशल मीडिया ऐप नहीं है जो आपको इसमें ना मिले। ये सारे ऐप्स ना वेब व्यू में काम करते हैं, विच इज एक्चुअली ग्रेट। अगर आपके फोन में ज्यादा स्पेस नहीं है या फिर अगर आप रैम पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहते, तो आप इन सभी ऐप्स को इसमें रन कर सकते हो। शॉपिंग कैटेगरीज में ना सारे शॉपिंग ऐप्स मिल जाएंगे, और भी कई सारी कैटेगरीज हैं जिन्हें आप खुद एक्सप्लोर कर लेना। पॉइंट इज, अगर आपको बिना ज्यादा स्पेस एंड रिसोर्सेस खर्च किए इतने सारे एप्स ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यार इससे कमाल और क्या हो सकता है। वैसे अगर तुम लोगों ने मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है ना, तो उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं अपने टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फ्रीक्वेंटली यूनिक एप्स के लिंक्स जो है वो शेयर करते रहता हूँ। वहां पे भी आपको बहुत ही कमाल के एप्स मिलेंगे जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। वैसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन सा ऐप आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, या फिर अगर आपके पास भी कोई सीक्रेट ऐप या फिर ट्रिक है जो आप चाहते हो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन भी कर दूंगा। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।